हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 11 मई 2019 है, सैटरडे का दिन है और मैं जो अपडेट लेके आया था निफ्टी 50 पे लेके आया था। आप मैंने अगर प्रीवियस बैंक निफ्टी और निफ्टी पे व्यू रखा होगा और किया होगा आपने पेपर, तो आपको खुद आपको दिख गया होगा कि क्या फ़ायदा होता है। मैं बेरस व्यू आपको 30 3 3 500 बता रहा हूँ, 30 500 से 11 700 से बता रहा हूँ, थोड़ा बेरस व्यू है वो अभी देखने को मिल रहा है आपको। और ये 11 350 का एक क्रुशियल लेवल था जिसको ये तोड़ के आराम से 11 278 की ओर खेल रहा है। यहाँ पे भी क्रुशियल लेवल है और लगता है कि ये 11 085 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा। 11 000 तोड़ने के बाद 10 850 की ओर भी सपोर्ट है, वहाँ से भी बाउंस बैक ले सकता है। तो जो दो चीज़ जहाँ से लग रहा है मुझे ये बाउंस बैक लेने की इसमें पूरी क्षमता है वो 11 050, और अगर नहीं तो 10 850। ये दो लेवल है जहाँ से ये ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी आराम से ये आपको 10 11 278 है, तो 11 178 पहला दिखाएगा, फिर 11 100 और 11 050। तो कहीं ना कहीं पे 11 350 के स्टॉप लॉस से इसमें आराम से शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं तो 11 300 पे पुट पे बहुत हाईएस्ट पोजीशन बन रही है, आप वहां पे भी व्यू रख सकते हैं। एक्चुअली में जब देखिए मार्केट जो क्लोज हुआ है, आप देखेंगे जो फ्राइडे को जो क्लोज हुआ है वह 11 278 पे निफ्टी क्लोज हुआ, 22 अंक के साथ गिरावट के साथ। एडवांसेस 19 थे, डिक्लाइन 29 थे। जो गेनर थे वो जीन टाटन में SBI, टाइटन, भारतीय एयरटेल, इंडिया बुल थे। जो लूजर थे टाटा स्टील, एसियोटेक, यस बैंक, इंडसलैंड में IOC। यस बैंक एक दायरे में लगता फंसा हुआ है, कोई बात नहीं, ये नीचे की ओर जाए तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में रहेगी। टाटा स्टील 460 की ओर जाते हुए दिखता है क्योंकि ज्वाइंट वेंचर इसका कुछ फेल हुआ है, तो ये 460 की ओर जाते हुए देखिए बहुत अच्छा स्क्रिप्ट आपको हो सकता है ये मिले आपको, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है ये दोनों चीज़ें। अभी अगर आप देखें यहाँ पे क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखेंगे जहाँ FI ने अच्छी खासी बाइंग की थी, आप देखिए फरवरी से बाइंग चालू की और मार्च में तो बहुत अच्छी बाइंग की थी, अप्रैल में भी अच्छी बाइंग की, अब मई 11 मई तक देखेंगे तो सिर्फ 1345 करोड़ की खरीदारी हुई है। कंटिन्यू अभी इन्होंने बिकवाली चालू कर दी है और DI जो है वो उसको बाई कर रहा है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो अभी सेल कर रहे हैं। बट ऐसे लॉन्ग टर्म ईयर वाइज जाकर के देखें तो 19-20 में आप देखेंगे जहाँ पे 16-17 में 55 हज़ार करोड़ की खरीदारी की, 17-18 में 25 हज़ार, और 18-19 में कुछ भी नहीं किया, वहाँ 19-20 में अभी तक 22 हज़ार करोड़ की खरीदारी हो चुकी है। एज ए ईयर ये अच्छा जाएगा और हो सकता है कहीं ना कहीं 50 55 करोड़ तक आपको FI की बाइंग देखने को आगे मिल सकती है। एज ए ईयर अच्छा रहेगा, बट टाइमिंग शॉर्ट टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अभी थोड़ा सा बिकवाली हावी रहेगा। अगर आप देखें निफ्टी ओपन हुआ 11314 पे, हाई बनाया 345 का, लो बनाया 251 का, और लो की ओर ही जाके 278 पे क्लोजिंग दे दिया। एक वीकनेस है, एडवांस 19 है, डिक्लाइन 29 है। एडवांसेस में आपको बताया डिक्लाइन में जो सबसे ज्यादा गिरा है वो टाटा स्टील, HCLTech, यस बैंक, ये भी बताया। तो कहीं ना कहीं अभी अब क्या पोजीशन अपने को यहाँ पे बनानी चाहिए, तो अगर आप अगर इसको एक बार पहले हम जाके टेक्निकली अगर इसको देखना चाहिए तो क्या रिकमेंडेशन है, आप ये आवरली है, 5 आवर है, डेली है, वीकली है, मंथली है, तो हम मैक्सिमम देखेंगे सेल है, जो बाइंग है वो SBI में कहीं ना कहीं थोड़ी बाइंग है, लेकिन कॉशियस बाइंग कीजिएगा क्योंकि 310 के बाद ये फिर नीचे की ओर जा सकता है। टाइटन में थोड़ी बाइंग दिख रही है, इंडिया बुल्स में, UPL में, कोटक महिंद्रा पे थोड़ी बाइंग दिख रही है, UPL में एक बाइंग कंटिन्यू बाइंग चल रही है UPL में, तो आप इसको देख सकते हो। टाइटन में भी एक कंटिन्यू बाइंग यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अदरवाइज सारे स्क्रिप्ट में आप देखेंगे सेल का रिकमेंडेशन है, आवरली, 5 आवर, डेली, वीकली, मंथली पे आप जो भी देखेंगे अभी आपको यहाँ पे सेल का रिकमेंडेशन लाल ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू ब्लैक। अगर परफॉर्मेंस की बात करें लास्ट वीक जो सबसे ज़्यादा टूटा है वो टाटा मोटर्स 11% से, रिलायंस इंडस्ट्री 11% से, टाटा स्टील 11% 9% से है। और लास्ट डे की बात करें तो टाटा स्टील अच्छे खासे गिरावट के साथ वापस बंद हुआ है, तो टाटा स्टील में कहीं ना कहीं 460 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। HCLTech, यस बैंक में थोड़ी गिरावट है, यस बैंक में भी बस आपको जाते हुए नीचे की ओर 160 की ओर जाते हुए दिखे तो कोई बात नहीं है, तो इन सब पे गिरावट है। और जो अच्छा परफॉर्म करते हैं जी इंटरटेनमेंट, SBI, भारतीय एयरटेल, टाइटन, इंडिया बुल, अदानी, ये सब ने अच्छा, UPL ने अच्छा परफॉर्म किया और ऊपर की ओर गए, ये तो इनके परफॉर्मेंस की बात हुई। अगर मैं चार्ट पे देखूं तो
11355 पे आप देखेंगे ये कंटिन्यू यहाँ पे जाता है, इसको टच करता है, नीचे की ओर आ जाता है, हर बार फॉल करता है। ये जो कैंडल है 5 मिनट का है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं 11350 को ये किसी भी तरह क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो 11355 का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रिकमेंड करूँगा। और ये लास्ट मिनट में देखेंगे तो ये अपना एक सपोर्ट जो था इसको 11263 उसको भी तोड़ा है इसने, और कहीं ना कहीं उसके नीचे भी जाकर के बंद होने की 278 पे जाकर के बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको एक जो एक लेवल था इसको यहाँ पे तोड़ा है, और फिर ऊपर एक शायद यहाँ से सीधा जंप लेकर के ऊपर की ओर गया है यहाँ पे लास्ट मिनट मोमेंट पे। लेकिन ये जो सेल और बिकवाली देखेंगे कंटिन्यू एक वॉल्यूम के साथ हो रही है, सेलिंग हो रही है, और अब जाके जो ये थमेगा ऐसा दिखता है कि ये कहीं ना कहीं 11178 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा। और RSI भी देखें तो अभी जो चल रहा है इसका, अगर हम इसको डेली बेसिस पे देखें तो RSI 35 है, तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में अभी तक नहीं है। अगर डेली बेसिस पे भी देखें तो इंडिसिसिव कैंडल के बाद ये फॉल है और कंटिन्यू आपकी जो एवरेज से ज़्यादा सेल वॉल्यूम हो रही है डेली बेसिस पे, ये एक कंसर्न है, और हो सकता है ये नीचे आपको जाते हुए दिखे। लेकिन 11050 पे आप देखेंगे पुराना इसको बहुत अच्छा सपोर्ट है 11000 के आसपास, यहाँ ले लें या बार बार यहाँ से ज़्यादा था इससे ब्रेक करता था, तो पहले जो रेसिस्टेंस था 11000 के आसपास वही एक अब सपोर्ट के रूप में बनेगा, और 11000 इतना जल्दी बीच नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है ये 11350 ना क्रॉस कर पाए, और आपको एक बार ये नीचे 11050 की ओर जाते हुए दिखे, यहाँ से फिर ये ऊपर आपको 11350 जैसे क्रॉस करेगा आपको 11800 11900 और देखते हुए आपको मिल जाएगा। बोलिंगर बैंड में देखें तो 11181 पे 178 के आसपास इसको एक सपोर्ट है यहाँ पे, अगर वीकली बेसिस पे देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, कोई बड़ी सरप्राइज की बात नहीं अगर लेता है तो। और अगर मैं इसको 5 आवर्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 11187 आ रहा है, तो 11178 की ओर ये जाता है, और मिडिल लाइन जो बता रहे 11546 है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप समझिए कि 11350 जो आपको दिया है वो किसी ना किसी कारण से छूट जाती है 11550 के बाद, तो आप स्टॉप लॉस काट ही लीजिए, फिर आप तेजी की पोजीशन बना लीजिए। एक बार इसको जाकर डेरिवेटिव में देखने की कोशिश करें तो डेरिवेटिव में क्या हो रहा है, 11250 पे देखेंगे एट द मनी, ये 16 मई की एक्सपायरी 11278 पे क्लोज हुआ है 10 मई को, एक्सपायरी 16 मई की, ये पुट साइड है ये कॉल साइड है। एट द मनी 11200 पे देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बन रही है, और 11300 पे ही 614000 का एडिशन हुआ है, 11 लाख का क्यूमुलेटिव है, और प्राइस भी अच्छे खासा से डिस्टॉर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो प्राइस फॉल के साथ यहाँ पे डिलीवरी सेल हो रही है और बाइंग हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जो शिफ्ट है 11200 की ओर शिफ्ट होते दिख रहा है, जो कि 11187 का सपोर्ट है वहाँ पे। और अगर ये टूटता है किसी ना किसी कारण तो 11000 पे आप देखेंगे 11,90,000 का 1,08,000 का पोजीशन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं 11000 की ओर आपको, तो 11200 और फिर नहीं तो 11 आपको 11000, तो कहीं ना कहीं 11000 की ओर जाते हुए दिख रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए, 11350 का पुट देखेंगे तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ से 11350 का पुट आपको रखना चाहिए, लेटेस्ट आपको 11300 का पुट जरूर लेना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए अदरवाइज आपका पैसा खत्म हो सकता है। तो 11300 का पुट देखिए जो कि 64 रुपये का लो था, 114 रुपये का हाई बनाया, 25% का गेन है, 12% का चेंज इन ओपनिंग इंटरेस्ट है, अभी भी इस पर 111000 की बाइंग है, 65000 की सिर्फ सेलिंग है। ये 11300 का पुट 16 मई की एक्सपायरी जो है ये एक अच्छा लुक्रेटिव दिखता है, इस पर पेपर ट्रिप करें, इस पर वॉचलिस्ट रखें, देखें, मार्केट में डायरेक्ट बाय नहीं करें, अगर बाय करते तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जान के पूछ के फिर बाय करें। मेरे रिकमेंडेशन से नहीं, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है कि चूंकि ये 11350 नहीं टूटेगा तो मेरा व्यू है कि 11350 के आप पुट को लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उतना प्राइस डिक्रीज नहीं होगा, बार बार अप लेगा, जैसा आपने चार्ट में देख रहे थे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, ये बार बार 11350 की ओर जा रहा था। आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं इसको 5 मिनट की चार्ट में 11350 को कभी ब्रीच नहीं कर रहा था, इसके लिए यहाँ पे आपको 11350 का अगर आप यहाँ पे इसको पुट लेते हैं 11350 का पुट लेते हैं तो जो कि अभी आपको मिल रहा है 11350 का पुट मिल रहा है आपको 138 रुपये में, 26% का इंक्रीज है, 84 रुपये का लो था,
यहाँ पे देखेंगे बाइंग सेलिंग क्वांटिटी सेम है, लेकिन 1.5% का चेंज है। इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो रहा है कंपेयर टू 11300 से। इसके लिए मैंने आपको दो ऑप्शन दिया कि आधर 11350 जो कि टूटना नहीं है इसके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, नहीं तो जिसमें वॉल्यूम में आप 115000 का वॉल्यूम में 10 लाख का है तो वॉल्यूम अच्छा है, तो कहीं ना कहीं 11300 का 114 पे जो मिल रहा है 75 का लॉट साइज होता है, तो आपको अगर 100 रुपये के आसपास भी मिलता है तो 7500 के आसपास होता है, तो आपको ये एक फायदेमंद ट्रेड हो सकता है, ये पेपर ट्रेड हो सकता है, तो आप इसको देखें वॉच लिस्ट पर रखें। निफ्टी एक बेरिशनेस पैटर्न बना चुका है 11350 तोड़ने के बाद 11300 पे सपोर्ट के लिए के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं गया। अब ये बार बार 11250 पे जाता है ऊपर चला जाता है। आप यहाँ देखेंगे नीचे जो जा रहा था वो 11250-55 बना रहा था, वहाँ से ऊपर जा रहा था, तो 11250 भी एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट नॉमिनल नाम के अनुसार 11250 अदरवाइज सपोर्ट तो है नहीं, टूटना था ही इसको। तो ये जो जंप लास्ट 5 आवर्स में निकल रहा, हो सकता है कि आपको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी अपसाइड खुले, लेकिन जाना तो वापस इसको नीचे 11180 में से 11200 के आसपास जाएगा जो सपोर्ट है, और फिर उसके नीचे 11050 की ओर जाते दिखेगा आपको। किसी कारण से 11000 टूटता है तो 10850 की ओर भी आपको जाते हुए दिख सकता है। ये डिपेंड करता है और बैंक निफ्टी कैसा फ्रैक्चर होता है, बैंक निफ्टी कितना फ्रैक्चर होता है उस पर और भी डिपेंड करेगा। किस फोर्स से अगर कल ही बैंक निफ्टी 500 पॉइंट तोड़ता है तो ये शायद आपको कल 11000 अच्छा खासा कल ही पहुँचा देगा, और उसके बाद फिर से फॉल होता है तो फिर प्रॉब्लम कर देगा। अभी नहीं लगता है कि 11000 इसको तोड़ना चाहिए, 11000 पे इसको सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाना चाहिए, अभी तो यही ओपिनियन है। आगे जब चेंजेस होंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, न्यू वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो निफ्टी 50 पे ये मेरा ओपिनियन है कि ये नीचे की ओर जा सकता है, बेरिश व्यू है, मेरा बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, किसी को भी नहीं है। आप बाएंगे आप खुद स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, फिर आप मार्केट में पैसा लगाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।